शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। बता दें, इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। इसकी जानकारी खुद इसराइली सेना के प्रवक्ता ने दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान में 5 धमाकों की आवाज सुनी गई है। खबर यह है कि ईरान के फाइटर जेट्स ने अपने ठिकानों से उड़ान भरी है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि ईरान भी अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसराइली सेना का यह कहना कि उनकी हवाई सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। इसराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को हमले की जानकारी दी है। तो फिलहाल ये कुछ तस्वीरें भी सामने हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इसराइली सेना के प्रवक्ता ने खुद इसकी जानकारी दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर हम देखें तो राजधानी तेहरान में 5 धमाकों की आवाज सुनी गई है और वो आप आवाज सुन भी सकते हैं। राजधानी तेहरान से ये तस्वीरें सामने आई है। ईरान के फाइटर जेट्स ने अपने ठिकानों से उड़ान भरी है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले ईरान ने हमला किया था और अब इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे हैं। हालांकि इजरायली सेना का यह भी कहना है कि उनकी हवाई सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इस हमले की जानकारी दे दी है। नेतन्याहू ने जो बाइडेन से बातचीत की है ईरान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, और यहां पर इजरायल ने अपना बदला लिया है। इसके पहले आपने वो तमाम तस्वीरें देखी थी जब 180 से ज्यादा मिसाइल इसराइल पर दागे गए थे ईरान की ओर से, और अब इसराइल ने ये बदला लिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ कई मिसाइल दागे गए हैं।